हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही खास वैरायटी लेके आए हैं। इस समय रबी का सीजन चल रहा है और गेहूं की बुआई, इस समय अगेती बुआई का समय चल रहा है। अक्टूबर से और नवंबर का जो पहला सप्ताह होता है या दूसरे सप्ताह तक ये अगेती बुआई मानी जाती है, उसमें आप कौन सी वैरायटी का चयन करें और कौन सी वैरायटी के साथ साथ आप उसमें उनके बीज उपचार संबंधित, उनकी फर्टिलाइज़र के संबंधित कौन से आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालें और उसमें सिंचाई पर जिनके ऐसे निर्णय लेने से क्या होता है कि आपका उत्पादन जो है वो लगभग 4 गुना बढ़ जाएगा। सही वैरायटी और सही ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ है कि सही केवल आप उसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आइए आप लोगों को हम उसमें बताते हैं कि कौन कौन सा आप उसमें ट्रीटमेंट का प्रयोग करें और उसमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करें, और हम आपको एक विषय में इसी विषय में पूरी जानकारी देंगे। उसके लिए एक वैरायटी आती है 303 श्री राम 303 गेहूँ आता है, जो कि बहुत ही प्रचलित है और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली और सबसे ज़्यादा मार्केट में इसकी मांग है। हमारे एग्री जंक्शन शॉप पे ये जान लीजिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी है, तो 303 श्री राम का 303 वैरायटी आती है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, उत्पादन भी बहुत अच्छा या देता है। ये 303 वैरायटी गेहूँ आता है, जो कि इसमें इसकी आप अगर बुआई करते हैं तो इसके आप फायदे समझ लीजिए क्या क्या होने वाले। इसमें जो है कल्लों की संख्या अधिकतम होती है, कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है और उसमें 12 से 15 कल्ले जो हो निकलते हैं, 12 से 15 कल्ले होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि पौधों की जो लंबाई है वो 95 से 100 सेंटीमीटर पौधों की लंबाई होती है, जिससे गिरने की संभावनाएं लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पौधों की लंबाई अगर गिरने में ख़त्म हो जाती है तो उससे क्या होता है, उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये आगे की बुआई के लिए रामबाण, ये भी बता दें कि उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। ये श्रीराम का 303 वैरायटी आता है, जिसमें उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में आपको बता दें, पहले जब आप खेत की तैयारी करते समय उसमें क्या करें, एक ट्राली गोबर की खाद और उसमें 50 किलो जिप्सम आप उसको पूरी तरह से खेत में मिला दें। मिलाने के बाद जब उसमें आप रोटावेटर से आप इसकी बुआई करते हैं, उस समय सबसे पहली बात कहते हैं कि उसमें आप फर्टिलाइज़र का कौन कौन से प्रयोग करें। और बीज को आप जब भी दुकानों से लें, कहीं से भी लें, तो उसके लिए बीज उपचार सबसे ज़्यादा जरूरी है। बीज उपचार में हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस समय इसको कि नैनो डीएपी एकदम रामबाण साबित हो रही है केवल बीज उपचार में। पौधों की संख्या इसमें जमा जो है वो लगभग 90 से 95% पौधों के जमा होता है। इससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं और उसके लिए एक फंगिसाइड का भी प्रयोग करें। किसान भाइयों से ये भी निवेदन करते हैं कि एक फंगिसाइड कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम जिसमें 12% 63% या सिस्टमेटिक फंगिसाइड होगा, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, इसके प्रयोग करने से जो भी उसमें रतुआ रोग या उसमें काला रोग पकड़ लेता है, बीजों का जो अंकुरण होता है वो भी उसमें नहीं लगने वाला है, एक चीज़ हो गया। दूसरा, इसमें अगर आप बीजों का जमाव करना चाहते हैं तो इसको का आता है एनपीके आता है, ये तरल कंसोर्टिका बायो फर्टिलाइजर आता है। इससे अगर इसको भी साथ में मिला देते हैं तो ये जान लीजिए बीज का जमाव कोई रोक नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा बीज का जमाव होगा। और आप लोगों को बता दें कि इसके हमने खुद स्वयं प्रयोग किया है, जो इससे जमा होता है बहुत ही ज़्यादा जमा होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ही ये दो चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो पहले क्या करें कि आप बीज को एक किसी बोरी पर या पल्ली पर एक आपको बीज को ले लेना है। बीज को लेने पर क्या करें कि जो भी बीज की मात्रा है वो प्रति बीघे 1.5 किलो की बीज के हिसाब से आपको बीज लेना है। अगर आप 1 बीघे लगा रहे हैं तो 30 किलो बीज लगेगा श्रीराम 303 वैरायटी का। इसको क्या करें, आप 30 किलो 1 बीघे का एवरेज मानिए। आप उसमें क्या करें, पल्ली पर पूरा 30 किलो बीज आप ले लीजिए। उस पर आप क्या करें, पहला काम है कि उसमें आप हल्का पानी का छींटा मारें। छींटा मारने के बाद आप उसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का पाउडर पूरी तरह से मिला लें और साथ में आप 1 बोतल जो है, या 1 बीघे में 1 बोतल आप उसमें से लगभग 250 ml आप उसमें नैनो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। नैनो डीएपी से आप क्या करें, उसको बीज को अच्छी तरह से मिला लें और उसको छान लें। उसी के साथ साथ आप एनपीके का प्रयोग कर लें और इस तरह से अगर आप बुआई कराते हैं तो उसमें जो पौधों का जो ग्रोथ होगा और जो टाइमिंग होगी बहुत जल्द हो जाएगी और उसमें छुटाव की संख्या भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, छुटाव की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आप क्या करें कि उसमें जब आप बुआई करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं किसान भाइयों की, उसमें आप
फर्टिलाइजर कौन सा प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं। हम आपको एक जानकारी देते हैं कि एक एकड़ में आप कितना कितना फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि एक एकड़ का जो एरिया है उसमें DAP आप क्या करें 50 kg DAP प्रति एकड़ आप उसमें इस्तेमाल करें, 50 एकड़ DAP। और उसमें MOP जो पोटास आता है, पोटास को भी क्या करें 30 kg जो है वो प्रति एकड़ के लिए आप प्रयोग करें। और साथ में ही SSP सिंगल सुपर फास्फेट आता है, उसको भी 50 किलो आप एक एकड़ में प्रयोग करें। और अगर आपके यहाँ टाँडे या जो कहते हैं कि बीच में सीखा सूख जाता है या कट जाता है या उसमें सूख जा रहे हैं पौधे, तो उसके लिए टाँडा लगना बोलते हैं, उसके लिए आप कार्बोफ्यूरान, रीजेंट या फोरेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग करने के बाद आप क्या करें, उसमें जब आप पहले सिंचाई करें या दूसरी सिंचाई करें, तब आप देखेंगे पौधों की कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, 15 से 20 गारंटी है हो जाएगी, और इससे उत्पादन भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंड आप देखें आप क्या करें, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ये दोनों का आप सेकेंड टॉप ड्रेसिंग में, पहले में आप अगर उसमें दानेदार डालें, दोबारा में आप क्या करेंगे उसमें आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का एक खास बात ये है दोस्तों कि उसमें पौधे जो है वो गिरते नहीं हैं, पौधे लॉन्ग समय के लिए एक ही, अगर उसमें कलर तो बहुत ज़्यादा हरा नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसमें लॉन्ग समय के लिए पौधे क्या होते हैं बहुत स्पष्ट बने रहते हैं और उसमें गिरते नहीं हैं, जिसमें उत्पादन उसमें फुलाव के अवस्था में उसमें दाने भी बहुत अच्छे आते हैं और दाने चमकदार होंगे, स्वादिष्ट होंगे। ऐसे विधि से अगर आप करते हैं तो उसमें मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं कि उसमें आपका उत्पादन जो है प्रति एकड़ 27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होगा। किसान भाइयों जो भी आप देख रहे हैं हमारे एग्री जंक्शन, ये नंबर भी चल रहा है आपको स्क्रीन पर, नंबर भी आप संपर्क कर सकते हैं, या एग्री जंक्शन केंद्र रामनगर अमेठी में मेरी शॉप है, वहाँ पर आकर के आप किसी भी वैरायटी या किसी भी बीज या बीज से संबंधित, बुआई से संबंधित, रोग से संबंधित या फर्टिलाइजर से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको पूरे निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।